हेलो एवरीवन, दिस इज 121 क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वन ऑफ द वाइब्रेशन इन द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज ए लूज वाइब्रेशन। द पार्टीशन फंक्शन फॉर दिस लूज वाइब्रेशन इज इक्वल टू। हमें बताना है पार्टीशन फंक्शन किसके बराबर है, ये हमारे पास क्या है ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले क्या है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देर इज ए हाई एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेट नोन एज एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट दैट फॉर्म बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक मोस्ट एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है जिसको क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं उसको। जब रिएक्शन होती है तो ये कौन सी स्टेट होती है इंटरमीडिएट स्टेट होती है या और क्या बोलते हैं इसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है रिएक्टेंट होते हैं, ये क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, इसकी एनर्जी क्या होता है काफ़ी हाई होती है यहाँ पे। इन द दिस ट्रांजिशन स्टेट मोलिकुलर आर इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड। दिस कंसेप्ट हेल्प एक्सप्लेन रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म। ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है ये क्या बताती है रिएक्शन रेट और मैकेनिज्म को बताती है। आगे देखिए वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज द कंसीडरेशन ऑफ वाइब्रेशन विद इन द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है उसमें क्या आता है उसमें वाइब्रेशन हो जाती है। एट दिस पॉइंट मोलिक्यूल आर नॉट स्टेटिक। जो मोलिक्यूल होता है वो क्या होता है फिक्स पोजिशन पे नहीं होता, वो क्या करता है वाइब्रेट करता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है उसमें वाइब्रेशन आती है। दिस वाइब्रेशन मोशन कैन बी थॉट ऑफ एज स्प्रिंग बिटवीन द एटम। देयर एटम ऑसिलेट अराउंड देयर इक्विलिब्रियम पोजिशन। जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं अपनी पोजिशन पर क्या करते हैं वाइब्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं एक दूसरे से स्प्रिंग की तरह क्या होते हैं वाइब्रेट होते हैं, मोशन होती है उसमें। इसके आगे देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लूज वाइब्रेशन विद इन द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स द पार्टीशन फंक्शन इज इंट्रोड्यूस। जब क्या होता है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में क्या होता है वाइब्रेशन लूज होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है पार्टीशन फंक्शन होता है। द पार्टीशन फंक्शन क्या होता है जिसको क्यू से डिनोट करते हैं हम, क्वांटिफाइड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल अमंग द डिफरेंट वाइब्रेशन मोड। इसमें क्या होता है अलग अलग वाइब्रेशन मोड होते हैं, ये क्या बताता है जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाइब्रेशन मोड में, ये पार्टीशन फंक्शन उस चीज़ को बताता है। फॉर ए लूज वाइब्रेशन द पार्टीशन फंक्शन कैन बी कैलकुलेटिव। जब वाइब्रेशन क्या होती है लूज होती है तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्यों किसके बराबर होता है KT/hV के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर है, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये क्या है वी क्या है फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इनवर्सली होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के होता है। जब क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी मोड वाइब्रेशन मोड बिकम ब्रॉडर। जब टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है तो वाइब्रेशन मोड भी क्या होता है ज़्यादा हो जाता है। द लूज वाइब्रेशन कंसेप्ट एंड इट्स एसोसिएटेड पार्टीशन फंक्शन आर फंडामेंटल एलिमेंट इन द ट्रांजिशन स्टेट। ये जो लूज वाइब्रेशन है किसमें बताता है ट्रांजिशन स्टेट में बताता है, कंट्रीब्यूटिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शन रेट एंड रोल ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्या बताता है रिएक्शन की रेट को बताता है ट्रांजिशन स्टेट, और क्या बताता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बताता है। देखिए पार्टीशन फंक्शन किसके बराबर हुआ इन लास्ट, क्यू इक्वल टू क्या हुआ 1 KT/hν, एच फ्रीक्वेंसी वी, ये क्या होता है पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है उसमें जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है वो जो वाइब्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं लूज हो जाते हैं। वाइब्रेशन क्यों लूज होते हैं क्योंकि जो कम्प्लेक्स होता है वो किस में चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है वाइब्रेशन का लूज हो जाता है। और क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करती है वहाँ पर पार्टीशन फंक्शन, जिसका फॉर्मूला क्या है तो हमारे पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है आंसर 4 KBT/hν, ये क्या है पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है। एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।